नमस्कार दोस्तों, ईमित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ईमित्र क्योस्क के माध्यम से किसी भी बंदे का पेंशन का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे हैं और दोस्तों वो बंदा हर एक मामलों में योग्य है, यानी कि वो जो पेंशन योजना में आप फॉर्म भरने जा रहा है उस पेंशन के जो नियम होते हैं उसके अनुसार वो योग्य है, लेकिन जब भी आप उसका फॉर्म भरने जाएंगे तो वो अयोग्य बताता है, यानी कि नॉट एलिजिबल बताता है, तो उस मामलों में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कारण होता है और आप क्या कर सकते हैं, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर कोई नॉट एलिजिबल योग्य होने के बावजूद बता रहा है तो उसका जो बेसिक कारण होता है वो होता है उसका जन आधार कार्ड, यानी कि जो जन आधार कार्ड के अंदर जो डेटा है वो उसकी योग्यता के अनुसार नहीं है। मान लो कि उसकी एज वहां पे सही नहीं है, मान लो कि विकलांग प्रमाण जो कोई विकलांग है और उसके आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और वो नॉट एलिजिबल बता रहा है, तो इसका मतलब है उसका जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो जन आधार कार्ड के अंदर स्टेटस भी अपडेट नहीं है और जन आधार जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो भी अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा इसके विधवा के अगर बता रहा है तो मान लो कि उसके पति का नाम अभी जन आधार कार्ड के अंदर चल रहा है, राशन कार्ड के अंदर चल रहा है, तो पहले वहां से नाम आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद उसका जो स्टेटस होता है जो जन आधार कार्ड के अंदर, उसको विधवा अपडेट करना है। उसके बाद जब भी अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कि आप आवेदन करेंगे तो बैंक अकाउंट गलत बताता है, तो उसका क्या कारण होता है, क्योंकि उसके जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर गलत बैंक अकाउंट अपडेट है, तो आप पहले क्या करेंगे वहां पे जो जन आधार कार्ड अपडेट कर लेंगे, उसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा जन आधार कार्ड तो उसके बाद उसका आवेदन करेंगे। तो ये एरर आपको लगातार मिलती होगी जब भी आप जन आधार कार्ड सर्विस का के माध्यम से जब भी पेंशन का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप सबमिट करने की कोशिश करते होंगे, तो इस प्रकार की एरर आपको मिले तो ये बेसिक कारण होता है नॉट एलिजिबल बताने का। या फिर दोस्तों अगर बैंक अकाउंट गलत बता रहा है, या फिर दोस्तों एक और एरर भी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम नेम दर्ज करें, इस प्रकार की एक एरर भी आपको मिलती होगी, जो अंतिम नाम है वो दर्ज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो जन आधार कार्ड के अंदर दो तरह से जैसे बनता है, एक तो हिंदी में नाम लिखा जाता है और इंग्लिश में, तो यहाँ पे बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि जैसे कि किसी का नाम है रमेश कुमार, तो हिंदी में तो रमेश कुमार स्पेस छोड़ दिया, रमेश अलग लिख लिया और कुमार में यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया बीच में, लेकिन जो इंग्लिश नाम है उसके अंदर स्पेस छोड़ना भूल गए, तो उस मामलों में क्या होगा, जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो इस प्रकार की एरर आएगी। तो पहले आप जन आधार कार्ड के अंदर उसका नाम इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों के अंदर स्पेस है, ज्यादातर ये फादर्स के मामले में होता है या खुद के नाम के मामले में या मदर्स नेम किसी के भी मामले में ऐसा आ जाए तो आपको जन आधार कार्ड को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास कोई भी पेंशन का बंदा है तो पहला काम तो यही बनता है कि उसका जन आधार कार्ड को एक बार अपडेट कर ले, कोई कमी है उसको पूर्ण कर ले, उसके बाद पेंशन का आवेदन करेंगे तो इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। तो ज्यादातर मामलों में जो भी पेंशन की एरर आती है वो कारण होता है जन आधार कार्ड, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपको बता सकूं कि किस कारण से इस तरह की एरर आती है। हो सकता है कुछ एरर के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं बताया हो और आपको इस प्रकार की कोई एरर आए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो समय मिलेगा तो मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा, उस एरर आने के पीछे क्या कारण रहता है वो भी एक ईमित्र क्योस्क को जानना जरूरी होता है, जिस प्रकार से वो कस्टमर आए उसको सही तरीके से आप जवाब दे पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो ईमित्र ट्रेनिंग कोर्स का लेसन 4 था वो आज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके अंदर कोई और वीडियो कोई अपडेट होता है, कुछ सर्विस में बदलाव होता है तो मैं उस वीडियो को रिप्लेस करने के लिए एक नया वीडियो जरूर आपके लिए बना दूंगा, लेकिन दोस्तों लेसन 4 यहीं तक था, बहुत जल्दी मैं यहाँ पे लेसन 5 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके बारे में बहुत जल्दी जो भी आप कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि किसके बारे में जो लेसन 4 मैं स्टार्ट करूँ, राशन कार्ड के बारे में करूँ, श्रमिक कार्ड के बारे में करूं, या फिर बेरोजगारी भत्ते के बारे में करूं, या फिर कोई और किसी सर्विस के बारे में मैं जो लेसन 5 वो स्टार्ट करूं, तो आपके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि इस सर्विस के बारे में आप स्टार्ट करें, तो ज्यादा कमेंट आएंगे तो उसी के बारे में मैं ये जो लेसन 4 है वो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, तो बाय बाय दोस्तों।